नमस्कार साथियों, आजाद न्यूज पटियाला में आपका स्वागत है। हम पहुंचे गांव पदार्थ खेड़ा के अंदर, जो गांव नरवाना सिटी के अंदर पड़ता है और हरियाणा पंजाब का ये बॉर्डर है। लास्ट गांव है डिस्ट्रिक्ट जींद का। यहां पे पानी की समस्या को लेकर के सूचना मिली थी, तो जानकारी लेते हैं क्या समस्या है। क्या नाम है सर? नमस्कार सर, मेरा नाम सर देवेंद्र सिंह जी। मैं क्या समस्या आ रही है गाँव में आपको? सर यहाँ पे पानी की समस्या, तो बहुत गंदा पानी पीने को मिल रहा है, जबकि ट्यूबवेल बंद हो जाता है और उसमें पानी नीचे जाता है। और जगह जगह ये पहले 2 महीने पहले बिजली विभाग वाले ने खंभे पोल गाड़े थे, पोल गाड़ने की वजह उनसे पाइप टूट चुके हैं और जिससे कई जगह गांव में गड्ढे हो चुके हैं। पानी की पाइपलाइन को ठप कर दिया और जिससे गांव वालों ने गांव में ग्राही करके पैसे को इकट्ठा करके इसकी बिजली बोर्ड वालों ने जो पाइप गाड़े थे, आपको पहले मैं आपको दिखा दूं, ये पोल गाड़ रखे हैं बिजली बोर्ड वाले, पीछे आपको नजर आ रहा होगा, उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। पाइप के ऊपर वह मशीन ने गड्ढे खोदे थे, वो पब्लिक हेल्थ की जो पाइप थी पीने की वो टूट चुकी है, तो इसकी उन्होंने जानकारी दोबारा उन्होंने रिपेयर नहीं करवाई सर। बिजली विभाग ने कोई भी रिपेयर नहीं करवाई। इसके तहत पंचायत ने वीडियो साहब को रिटर्न में दे रखा है और सर पब्लिक हेल्थ को भी सर इस अवगत करवाए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव वाले परेशान हो चुके हैं और इस गंदे पानी के पीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो साथियों आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये खड्डे हैं, पीछे भी मैं 3-4 खड्डे देख के आया हूँ, गांव में काफी खड्डे हैं। और क्या है कि यहाँ जो पोल गाड़े गए बिजली विभाग द्वारा, उनके से द्वारा उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। लेकिन अभी अगर बात करें तो ये सारा काम ये जुम्मेवारी जो है पंचायत को पब्लिक हेल्थ ने दे रखी है, लेकिन अभी उनका पंचायत का जो सरपंच का समय है वो पूरा हो चुका है, जो कार्यकाल का समय पूरा हो चुका है। अब ये वीडियो के पास आए, वीडियो को ये जानकारी दे चुके हो ना आप, वो दे चुके हैं और पब्लिक हेल्थ ने भी रिटर्न में दे चुके हैं, पर अभी तक कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर है। हम भी कहना चाहेंगे प्रशासन से जल्दी इनका जो समस्या है वो ठीक की जाए, क्योंकि गंदा पानी पीने वापसी जाती है जब ट्यूबवेल बंद हो जाता है और उससे बच्चों में घरों में बीमारी फैलती है। क्या कहोगे सर आप इसके बारे में? बुरा हाल है जी, पानी का मन आपके पैसे लगा आप ठीक करी दिया। अच्छा। कोई गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही। तो इनका कहना है कि गांव में इन्होंने ग्राही वगैरह इकट्ठी करके खुद भी पैसे लगाए हैं, पर इनके बस की कहीं आप कोई बस का सौदा नहीं जी, दोबारा लीक हो गई। हाँ जी, आप क्या? हाँ जी, दोबारा लीक हो गई जी, जो गंदा पानी है वही लोगों को पीना पड़ रहा है। तो अभी प्रशासन से क्या कहोगे सर आप? प्रशासन से क्या कहोगे? मेरे माने जी ठीक कर दे, पानी अच्छा पीने मिल जाए, मानू लोग बीमारी तो बच जाए, गंदा रहे इसके बीच तो यार रिसीवर वाला पानी रहा है या सारा सपोर्टर के बीच जाए, जेड़ा रिसीवर वाला पानी है सारा टोटल उठा, जब लाइट बजेगी सारा वापस पानी बग जाएगा रिसीवर वाला, फिर आओ पानी मारा टेंकिया में चढ़ा लाले आमी पानी पिया जड़ा है सारा गंदा पानी पीने लग गया, आज इन 15-20 दिन हो गए। तो कहीं तो साथियों इसे ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे और जल्दी से जल्दी जो गांव पदार्थ खेड़ा है नरवाना के अंदर आता है, ये लास्ट गांव है हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद का, और इसको जल्दी जल्दी इनकी जो पाइपें टूटी हुई हैं उसकी तरफ ध्यान दे और इसको दुरुस्त करके इनके पानी की समस्या को ठीक किया जाए। तो बने रहिए आजाद न्यूज़ टीवी में राधा राय के साथ। नमस्कार।